वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल एंड परफेक्ट लाइफ। आज की वीडियो में मैं आपको सादी सलवार में पॉकेट लगाना बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको पॉकेट लगाना बताने वाली हूँ। पॉकेट अच्छी तरह से लगाने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। ये जो हमारी सादी सलवार होती है, इसकी हमने यहाँ पर जो ये आसन जॉइंट किया है, इस कली को जब हम पार्ट के साथ जॉइंट करते हैं यहाँ पर इस तरह से, बीच में से हम पॉकेट के लिए इस तरह से जगह बना लेंगे। इस तरह से पॉकेट के लिए जब हम जगह बनाएंगे, वो हमें ऊपर से यहाँ से ये देखिए तकरीबन पाँच इंच नीचे मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद उस सिलाई को निकाल लिया है। ये गैप मैं यहाँ पर 5.5 इंच का रख रही हूँ। आप चाहे से थोड़ा सा बड़ा या फिर कम भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये सिलाई लगाने के बाद मैंने ये पॉकेट के लिए इस जगह को इतना अपने धागे को निकाल लिया है, और पॉकेट के लिए मैं इसे ये अंदर की तरफ से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ये पॉकेट लगाने के लिए मैंने इस तरह से पॉकेट का मुंह बना लिया है। अब इसमें हम पॉकेट अटैच करेंगे। ये देखिए, पॉकेट के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े को मैंने 7 इंच इस तरफ से इसकी चौड़ाई रखी है, और इसकी लंबाई मैंने ये देखिए इस तरह से नीचे जो मैंने अपनी पॉकेट की गहराई रखनी है उसके अकॉर्डिंग इसकी मैंने कटिंग कर ली है। इसकी लंबाई आपको ऊपर से जहाँ तक आपका नेफा आता है वहाँ तक रखनी होती है। बीच में आपने जितने भी 6 इंच की 5 इंच की पॉकेट का मुँह रखा है वो, और ऊपर आपको नेफे तक कपड़ा चाहिए होगा, और नीचे आपको जितनी अपनी पॉकेट की गहराई चाहिए है उतनी रखनी होगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 22-23 इंच लंबाई में इस कपड़े को इस तरह से लिया है। आप अपनी पॉकेट की गहराई अगर और ज़्यादा रखना चाहते हैं तो और ले लें, यदि कम करना चाहते हैं तो कम कर लें। ये 23 इंच मैंने अपने पॉकेट की लंबाई रखी है, और अब इस तरफ से ये देखिए, पहले यहाँ से ऊपर से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लें। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम अपनी पॉकेट को दोनों तरफ से बंद कर लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इस पॉकेट को सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पॉकेट को सीधा कर लेने के बाद अब इसे हम सलवार में अटैच करेंगे। ये देखिए, सलवार को भी हमने इस तरह से उल्टा कर लिया है। अब हमारी जो ये पॉकेट है, इसका जो ये वाला हिस्सा है जो हमने फोल्ड किया था, उसको हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये बिल्कुल आपको सेंटर पॉइंट पे ही अपना जो आपका पॉकेट का सेंटर पॉइंट है, इस तरह से आप नाप लें और अपनी पॉकेट पे रख लें इस तरह से, जहाँ से ये आपकी पॉकेट शुरू होती है वहाँ पे रख के, और यहाँ पर आप सिलाई लगा दें। ये देखिए, ये सिलाई हमारी यहाँ पर लग चुकी है। ये सिलाई लगने के बाद अब जो हमारा ये ऊपर की तरफ
पॉकेट का जो हिस्सा जा रहा है उसको ऐसे करेंगे और इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर और इस तरफ से भी दोनों तरफ से कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये पॉकेट हमारे यहाँ पर लग गई है। अब नेफा जब हम अपना ऊपर से फोल्ड करेंगे इस तरह से, ऊपर से जब नेफा फोल्ड करते हुए हम अपनी सिलाई यहाँ से लाएंगे तो इस पॉकेट को भी साथ में दबा देंगे और हमारी पॉकेट यहाँ पर पूरी बनके तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको इसको सीधी साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए ये पॉकेट की हमारी सीधी साइड है। ये देखिए इस तरह से नेफे की सिलाई मैंने लगा ली है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।